सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 13 साल तक शौच करने नहीं गया यह शख्स, देखो फिर क्या हुआ। हाल क्या कोई शख्स बिना मल त्याग किए एक हफ्ते तक रह सकता है? आपको यह सवाल वाहियात लग सकता है, लेकिन प्रश्न पूछे जाने की वजह जानने के बाद यकीनन आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका का एक व्यक्ति 13 साल तक फ्रेश होने नहीं गया। जब यह मामला सामने आया तो डॉक्टर्स भी चौंक पड़े। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 13 साल तक कोई शख्स कैसे बिना मल त्याग किए जिंदा रह सकता है। यह पहला ऐसा मामला था जिसमें कोई शख्स इतने लंबे समय तक ऐसी परिस्थिति में जिंदा रहा हो। इससे पहले ऐसे जो भी मामले सामने आए उनमें लोगों की मौत हफ्ते भर के भीतर हो गई। ऐसे में 13 साल तक किसी इंसान का जिंदा बचे रहने किसी चमत्कार से कम नहीं। फ्रेश ना होने का असर जीवन पर किस तरह पड़ता है, यह आप अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म पीकू में देख चुके होंगे। पीके की स्टोरी से लोग काफी प्रभावित हुए थे और अब अमेरिका के इस व्यक्ति की कहानी से प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक बिना फ्रेश हुए रह सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार तो फ्रेश होना चाहिए। इससे अधिक समय तक अपशिष्ट को पेट में रो के रहना बीमारियों या कुछ मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वे अमेरिका का रहने वाला था और वह 13 साल तक फ्रेश होने नहीं गया। हालांकि यह बात काफी रोचक रही कि वह गंभीर कब्ज के बावजूद 13 साल तक जिंदा रहा। दरअसल वह एक गंभीर बीमारी का शिकार था। हर्शस्ट्रंग एस डिजीज के कारण उसकी आंतों में भयंकर रुकावट थी, इस चलते वह मल त्याग नहीं कर पा रहा था। आखिरकार 29 साल की उम्र में गंभीर कब्ज के कारण उसकी मौत हो गई। उस वक्त उसका कोलोन 25 फीट लंबा और 8 फीट की परिधि में फैला हुआ था। इसमें इतना मल भरा हुआ था जिससे 3 बाल्टियां मल से भर जाती और उसका कुल वजन करीब 18 किलो से अधिक था।